हरे कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो इन दिस वीडियो मेरा इंडिया से कुरियर आया है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एंड जस्ट अभी आया है, मतलब अभी वो जो कुरियर वाले भैया हैं जापान पोस्ट वाले, वो अभी रख के गए हैं। ये देखो, ये रखा हुआ। एंड मैंने आप सभी से शेयर करने के लिए जस्ट अभी फ़ोन उठाया, कैमरा वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी इसको खोलेंगे। मुझे बहुत दिन से मेरा कुरियर जो है ये 15 दिन में अभी आया है। 15 दिन तो ऑलमोस्ट हो गए होंगे, मतलब 13-14 दिन लग गए थे उसके बाद जापान में। जैसे कि मतलब कल मैं नहीं थी, कल यहाँ पे आने वाला था लेकिन नहीं थी, इसलिए ये आज आया है। ठीक है, हाँ, तो मतलब इसलिए लेट भी हो गया 1-2 दिन जापान की वजह से। तो ये देखो ये मेरा इतना बड़ा कुरियर आ गया। अब इसको अंदर लेके जाना है। पहले अंदर लेके चली जाती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी आप सभी को, एक साथ खोलेंगे हम। बहुत ज्यादा भारी है, अब इसमें क्या है देखते हैं। ये खुलेगा कैसे, सारा बिल्कुल पैकिंग है। देखो इसी तरह सारा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड मैं सबसे पहले आपको बताऊँ इस कुरियर के बारे में, ये कुरियर बहुत ज़्यादा स्पेशल क्यों है मेरे लिए। इसमें आप देखोगे, इसमें कोई भी मतलब मैंने कपड़े वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं मंगवाई है, मैंने ओनली खाने की चीज़ें मंगवाई है, क्योंकि मुझे खाने से ही ज़्यादा प्रेम है। ठीक है, उसके अलावा पहनने, तो सर्दियों के लिए, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है, जो हरियाणा से होंगे उनको पता होगा हम सर्दियों में कितने गूंद के लड्डू, बेसन के लड्डू खाते हैं। तो उसकी तैयारी मेरे घर वालों ने पहले ही करके भेज दी है जापान में भी। ठीक है, तो जापान में मैं गूंद के लड्डू खाऊंगी सारी चीज़ें। लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेशल ये कुरियर मेरे लिए इसलिए है क्योंकि ये कुरियर में जो सारा सामान आया है वो मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया सारी चीज़ें। ठीक है, हमेशा मतलब जैसे हम ही बनाते थे घर पे, ठीक है, या फिर मेरी बहन बनाती थी, दादी बनाती थी, लेकिन पापा ने सारी चीज़ें की हैं और भेजा है, तो मेरे लिए, मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एंड भगवान जी भी बैठे हैं तो इस साथ में ही ये उनके सामने कुरियर खोलेंगे। ठीक है, पैकिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है तो टाइम लगेगा, बट आपके नाम में ना ही दे यारी मसले। तो मैं सीजर लेके आ गई हूँ, वैसे नाइफ भी अच्छा ठीक रहता है, नाइफ लेके आती हूँ। हाँ, सारे औजार, नाइफ वगैरह, सीजर वगैरह सब लेके आ गई हूँ, जिससे कटेगा उससे कट लूंगी, मतलब इसको कर लेंगे। इतनी हैवी पैकिंग है, टेबल पे भी रखने का मन था लेकिन पता चला टेबल ही नीचे आके गिर जाएगी, इसमें बोझ ज्यादा है इसलिए। ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे ऐसा लगता है ये पूरा काटना ही पड़ेगा। मैं तो जो इसके ऊपर ना पॉलिथीन की रैपिंग करके दी है, उसके नीचे जो सूती कपड़ा है ना उसकी रैपिंग करके दी थी, तो बहुत ज्यादा रैपिंग है। उसके अंदर जो पेटी होती है ना, जो दाम्बो बोलता है, जो बॉक्स होता है, ठीक है, जो पेपर का बॉक्स होता है वो है, उसके अंदर भी बॉक्सेस है जो आप देखोगे, तो ये ऐसे नहीं खुलेगा, मुझे ये कपड़ा ही इसका फाड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हाल बुरा हो रखा है, मतलब जो खाने की चीज है, जो इसमें लड्डू है उसका भी थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब कुछ नीचे बिछाती हूँ, उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे, नहीं तो सब नीचे नीचे हो जाएगा, नहीं तो सब गंदा हो जाएगा। सबसे पहले गाइस ये निकला है, सबसे
सबसे पहले ये बॉक्स निकला है गाइस। इस बॉक्स में, इस हालत में जो बेसन के लड्डू है वो निकले हैं। मतलब क्या हालत खराब हो गई इनकी। ये मतलब घर वाले ने गरम गरम बनाए थे, ठीक है, तभी के तभी ऐसे ही पैक कर दिए, और इनकी हालत देखो, सब कुछ इनका सेफ साइज समझ में नहीं आ रहा भाई। ये हालत हो जाती है क्या। और सर आपको बताऊं तो ये पूरी घी की हो रखी है। उसके बाद है गाइस जो ये एक 10 किलो पिप्पी है, ठीक है, सारा काम खराब जो हुआ है ना, देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। क्या है गाइस, जो ये डब्बा था ये मतलब ऐसे लेटी हुई पोजीशन में रखा हुआ था, एंड इसका ढक्कन टूट गया है। देखो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, देखा जाएगा, इसका ढक्कन टूट गया है। मतलब इतनी बुरी हालत से जो कुरियर आते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर आई डोंट नो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, लेकिन इसका ढक्कन ये देखो पूरा टूट गया है। एंड जिसकी वजह से ना, जो इसके अंदर का था सब कुछ, ये देख रहे हो आप, ये सारे यहाँ पे घी घी हो गया है। ये पूरा यहाँ, ये जो जो पोर्शन है ना, ये बाहर तक देखो, यहाँ तक मतलब पूरा घी हो गया, क्योंकि घी ज़्यादा था, ठीक है, सारा घी का इधर उधर हो गया, इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इधर पूरे में घी देखो, आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे भी नीचे भी बिखर गया है, ये सब साफ करना पड़ेगा। तो इसकी हालत मतलब मैं तो यही कहूँगी कि देखो ये बॉक्सेस में इसका ये भी टूट गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो ठीक है, ठीक है। एक ये बॉक्स है जिसमें क्या है, सर्दियों सर्दियों अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये ज्यादा हो रहा है ना। ये देखो ये भी पूरा मतलब सब कुछ ना घी में हो गया, वेस्ट हो गया घी। ओ इसमें भी गाइस बेसन के लड्डू है। ये सब मुझे है ना निकालना पड़ेगा, इनमें से निकाल निकाल के मुझे बॉक्स लाने पड़ेंगे, उनमें डालना पड़ेगा। इसमें भी बेसन के लड्डू है। मतलब पेपर के डब्बों में तो फिर भी ठीक है ना, ये प्लास्टिक वाला खराब हो गया, प्लास्टिक वाले में नहीं डालना चाहिए मतलब। ओ वाओ गाइस देखो, इसमें बर्फियां हैं। पहले भगवान जी को भूख लगेगा, उसके बाद ही, उससे पहले नो 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 नो, उससे पहले नहीं। उसके अलावा बस यही यही है, और तो खत्म है पूरी। इसको साफ करना पड़ेगा, इसमें अभी मैंने आपको दिखाया ना गीला हुआ हुआ है, लेकिन अब जो भी है ठीक है, सारा खराब हो गया यहाँ से गाइस, कोई बात नहीं, जो भी है मतलब बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आपको कुरियर के बारे में बता देती हूँ कि ये मैंने कुरियर इंडिया से मंगवाया है, ठीक है, दिल्ली से एक इंटरनेशनल पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से कुरियर ये करवाया था, मेरे घर वालों ने पैक वैक करके और वहाँ पे भेज दिया था उन्होंने। मतलब जैसे कुरियर के ऊपर, जैसे 1 किलो के ऊपर कुछ अमाउंट लगता है ना ऐसे, जो मेरा इस पेटी का जो वेट था वो 16 kg 500 ग्राम कुछ इतना था, इसके अराउंड था। तो ये जो मुझे पूरा पड़ा था ये 8500 कुछ इस हिसाब से पड़ा था, ठीक है। तो मतलब 1 किलो का देख लो आप कि मतलब 400 के या 450 रुपए लगते हैं, उसके अलावा उसमें कुछ टैक्सेस भी लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही आया है, ठीक है, इसमें मतलब मेरे में तो 14-15 दिन लगे हैं, ठीक है। वैसे मतलब एक स्पीड पोस्ट भी होता है, उसमें भी कुछ थोड़े से पैसे और देने होते हैं, वो भी 1-2-4 दिन और पहले आ जाते हैं। तो बेसिकली तो यही है, एंड उसके अलावा इन्फॉर्मेशन तो मैं क्या दूं आपको, कि आपको अपना पूरा जो जापान का एड्रेस होता है वो सारा लिखना होता है, ठीक है, जिस एड्रेस पे आप भेज रहे हो। और आप मतलब जैसे दिल्ली से भेजोगे, ठीक है, जो मतलब डेसिग्नेटेड प्लेस हैं जहाँ से मतलब इंटरनेशनल कुरियर जाते, तो उनसे ओके ठीक रहेगा मतलब, ठीक है। और तो आपने देख ही लिया है, ठीक है, जब कुरियर आता है तो किस हालत में आता है, ठीक है, जब भाई खाने की जो चीजें होती है उनका तो यही हाल होता है।
ठीक है, कपड़े वगैरह होते तो इतना नहीं होता, क्योंकि उनका तो वैसे भी इधर उधर हो जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका बुरा हाल हो गया है। एंड गाइस, इसका जो प्लास्टिक है ना वो इसके अंदर भी चला गया है, यहाँ से दिख रहा है। अब सो देख देख के खाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा ढक्कन था ना बड़ा। सो यही था, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। एंड आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, हरे कृष्णा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और हरे कृष्णा के नाम से आप एक कमेंट भी कर सकते हो। और चलो, तब तक के लिए बाय बाय, एक अच्छी सी वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे।